देख रहे हैं क्राइम टीम न्यूज। मैं हूं आपके साथ आजय चतुर्वेदी। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको रूबरू कराएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से। कन्नौज एक और जहां सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वायदे करते हैं, उनको धरातल पर उतारने की बातें करते हैं, वहीं जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में मासूम किशोरी को अगवा कर जबरन दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। विरोध करने पर आरोपी ने उसकी पिटाई भी की। आरोपी किशोर को सुनसान जगह पर फेंक फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर आरोपी की तलाश में तवीसे देनी शुरू कर दी हैं, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। कन्नौज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी को गाड़ी में घर छोड़ने की बात कहकर अगवा कर सुनसान जगह एक कमरे में ले जाकर नशे की हालत में दबंग व्यक्ति ने जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि मोहल्ले का एक व्यक्ति उसको रास्ते में जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गया और एक कमरे में बंद कर दिया। पीड़िता ने बताया कि हमने उसका विरोध किया तो उसने किशोरी को जमकर पीटा और कमरे में बंद करके चला गया। थोड़ी देर बाद नशे की हालत में लौटकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोप लगाते ही दबंग अधेड़ ने उससे कहा कि अगर कोई किसी को कुछ बताया तो वो उसको जान से मार देगा और उसको गाड़ी से रास्ते में फेंक कर फरार हो गया। बदहवास हालत में किशोरी जैसे तैसे अपने घर पहुंची और अपने परिवार वालों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिवारजनों ने मामले की शिकायत कन्नौज कोतवाली में की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। कुछ धमकी दी जी, कल मार डालेगा किसी को बताएगा और 200 रुपए दिए थे। कहाँ से ले गए थे आपको बेटा? यहीं से ले गए, बैंक के पास से। बैंक में आप पैसे निकालने गए थे क्या? नहीं, हम अपनी सहेली के यहाँ जा रहे थे। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? यहाँ आए थे बैंक पास सहेली के घर, तो यहाँ से पकड़ कर लिया, कहीं जाने रही थी जबरदस्ती लेके गए, पहले तुम्हें मार डालेंगे, तो पहले तुम्हें घर पे उतार देंगे चले, और रास्ते में लेके गए और मालूम है कहाँ जंगल में कोई टिब्बेल है वहाँ रखा था कमरे में, और फिर इससे जो है जबरदस्ती करी, मारा फूक कूटा, और कहीं जो है अगर तुम घर में बता दो तो जान से मार डालेंगे।